ये एक सेट है जो हमने अपने केस पे हम वर्क कर रहे हैं, ये हायर कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर ये रहा आपके सामने। और इसमें पैनल जो लगा है इनोलेक्स कंपनी का लगा है और इसका नंबर जो पैनल का नंबर है वो आपके सामने ये रहा, देखिए। और इसमें प्रॉब्लम है, इसमें हाफ पिक्चर बन रहा है और थोड़ा सा इसको रिपेयर करना मुश्किल है क्योंकि इसमें जो कॉफ है साइड कॉफ वो डिजिटल फॉर्म में लगा है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फर्स्ट कॉफ ये रहा, सेकंड कॉफ ये रहा और यहाँ पर जो मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए कि प्लास्टिक का एक कवर जैसा लगा होता है, ग्लू लगा होता है, ये देखिए। इसको उतारने के बाद यहाँ से इसमें सेकंड कॉफ में पिक्चर नहीं आ रहा, तो हमने यहाँ से वॉश किया है, देखिए इस तरह से ये ग्लू उतारा है, तो इस तरह से आपको ट्रैक दिखेंगे, काफ़ी चांसेस कम होते हैं। और इसमें यदि आपके इस तरह पैन रिपेयर करना तो आपको कस्टमर बोलना पड़ेगा क्योंकि इसमें हल्का फुल्का रिस्क भी होता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर वीजीएल चाहिए तो वीजीएल मिसिंग मिलता है। इसमें यदि आप ऊपर कहीं पर भी टच कर दोगे तो सेट डेड हो जाता है, काफ़ी चांस होते हैं इसको डेड होने के, तो इसलिए आप पहले कन्फर्म कर लें क्योंकि चांस काफ़ी इसको ठीक होने के भी कम है और डेड होने के चांसेस इसमें थोड़े ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर ट्रैक है जो 7 ट्रैक दे रखे हैं, इनमें से आपको कोई भी सप्लाई मिसिंग मिलेगा, आपको क्या करना है पहले चेक करना है कि कहाँ पर क्या सप्लाई आ रहा है, तो आपको वीजीएल या वीजीएच दे के देखना है, बाकी तो आप दोगे तो आपको कुछ भी इससे डिफरेंस पता नहीं लगेगा। मैं मोस्टली जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे पहले मैंने 2 सेट बनाए, इस पर वीडियो भी डाला है एक सेट पर, तो इसमें मोस्टली क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें वीजीएच या वीजीएल मिसिंग मिल रहा है। तो मैंने कुछ इस पर टाइम लगाया है, तो मैंने यहाँ पर ये रिसेंस की मदद से, आपको सप्लाई पर डाउट है नहीं मिल रहा था, आपको क्या करना है कि रिस्टेंस लेना है 10K का, 4.7K या 10K का ले लेना है। मैंने इसमें 1K का यूज़ किया है, ये देखिए इसको अच्छे से दिखा देता हूँ। इस तरह रिस्टेंस लिया हमने, एक वायर लिया है, यहाँ पर आपको पहले वीजीएच पे जंपर कर लेना है, यहाँ पर जैसे वीजीएच दे रखी है वहाँ पर वीजीएल दे रखी है, यहाँ पर जंपर करना है वायर को और यहाँ पर टच करके देखना है क्योंकि इससे क्या है कि यदि आप वहाँ पर आप गलत सप्लाई दोगे तो ये सप्लाई छोड़ देगा रिसेस की वजह से, जिससे कि सेट डेड होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो मैं प्रोटेक्शन के थ्रू इस पर वर्क करने वाला हूँ, तो अभी मैंने इसको वॉश किया अच्छे से, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा वर्क करने के बाद ही आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल दे पाऊँगा। तो मैं सेट को एक बार दिखा देता हूँ चला के किस तरह से पिक्चर बन रहा है। जो फर्स्ट हिस्सा है उसमें पिक्चर बिल्कुल अच्छे से आपको दिखाई देगा, सेकंड हिस्सा बिल्कुल ब्लैक है, उसमें कोई भी पिक्चर नहीं बना, देखिए। ये देखिए नीचे का हिस्सा बिल्कुल प्रॉपर ओके, कोई लाइनिंग जाली वगैरह नहीं है और इसमें साइड को आपको पता कि चेंज नहीं होगा। ये देखिए मैंने इस तरह चला रखा है, इसमें बिल्कुल पिक्चर नहीं बन रहा। थोड़ा सा अभी वर्क अभी करने वाला हूँ क्योंकि मुझे वीडियो रोकना पड़ेगा और इसको जंपर करने के बाद मैं बाईपास करके ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, तो काफ़ी बारीकी से करना पड़ेगा, इसमें सेट डेड होने का भी चांस रहता है। थोड़ा सा प्रयास करने के बाद यदि मैं सक्सेस होता हूँ तो आगे मैं इसके बारे में डिटेल दूंगा कि यहाँ पर क्या इसमें बाईपास करके सेट ठीक हो सकता है। तो मैंने प्रोटेक्शन के थ्रू इसको चेक किया तो थोड़ा सा इसमें चांसेस मुझे लगा है कि ये सेट बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ट्रैक है जो मैंने जंपर किया है, ये वीजीएच का ट्रैक को जंपर किया है और मैंने जो इसको टच करके देखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर पिक्चर बन रहा है। ध्यान रहे कि कॉफ़ी कहीं पर टच ना हो जाए क्योंकि वीजीएच स्प्रे कहीं पर कॉफ़ी टच होगी तो डेड हो जाएगा सेट। मैं इसको अच्छे सब क्लियर कर लेता हूँ। ये सेकंड वाला जो पॉइंट है ये देखिए, ये जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर वीजीएच सप्लाई देने से सेट बन रहा है और इसको क्या करना है, एक वायर को जैसे जंपर वायर ले लेनी है, उसके जो इस पर जो टच करना है हमको, जो अगला हिस्सा थोड़ा सा मोड़ लेना है। मैं इसको दिखा देता हूँ मैंने कैसे इसको यूज़ किया है, देखिए। ये देखिए जिसका फ्रंट का हिस्सा है वायर का वो थोड़ा सा मोटा करना है, मैं और जूम करता हूँ। ये देखिए जो फ्रंट का हिस्सा है
जहाँ जो हमको ग्लास पर कफ के पास टच करने का अगला हिस्सा मैंने थोड़ा सा मोटाई में लिया है ताकि ये हिस्सा अच्छे से लग पाए। अगला हिस्सा थोड़ा सा मोड़ लेना है और इसका शोल्डर अच्छे से कर लेना है। देखिए, और इस हिस्से को मैं आपको यूज़ करके भी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये वर्क करेगा। पहले मैं सेट को एक बार ऑन भी कर लेता हूँ ताकि लाइव आपको दिखा पाऊँ। जब जंपर करूँगा मैं नहीं दिखा पाऊँगा, मुझे रोकना पड़ेगा वीडियो, पर मैं पहले दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये बन जाएगा। जैसे मैंने इसको यहाँ पर लिया है और ये सेकंड वाला जो हिस्सा है ये कफ का, जो कफ के ऊपर सेकंड जो पॉइंट बना है वहाँ पर वीजीएच देने पर, देखिए मैं देता हूँ अभी, ये देखिए सेट बिल्कुल अच्छे से बन जाता है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ये देखिए सेकंड वाले हिस्से पर वीजीएच देने से सेट ये बन रहा है। देखिए थोड़ा सा इसमें अभी टाइम लगेगा क्योंकि हाथ हिल रहा है, अच्छी सी क्वालिटी बनाने के लिए इसको अच्छे से जंपर करना पड़ेगा। और इस पर मैं इसके बाद यहाँ पर जंपर तो आपको पता है सोल्डरिंग तो होगा नहीं, तो इसको कुछ मैं अलग तरीके से लाऊंगा कि यहाँ पर सोल्डरिंग तो नहीं होगा। यहाँ पर जंपर वायर रखने के बाद ऊपर से कुछ लगाना पड़ेगा, वो लगा देता हूँ मैं। कैसे मैं करूँगा वो आपको थोड़ा सा डिटेल दूँगा जिससे आपको इसको लगाना आसान रहे। तो आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। एक तिल्ली लेनी है इस तरह से, उसको ऐसे चौड़े हिस्से को एक कट कर लेना है, लेकिन वो पतला होना चाहिए ताकि ऊपर ढक्के लगाने पर पैन पे कोई भी दबाव ना आए जिससे कि क्रैक होने का खतरा बन जाए। इस तरह लेना है। उसको क्या करना है आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए जैसे कि वायर लगा देनी है, पहले वायर के ऊपर इसको रखना है। जैसे कि वायर को वायर लगाने के बाद ऊपर इसको रखने के बाद बिल्कुल इस तरह से बिठा देना है। देखिए इस तरह से उसको नीचे दबा के पहले चेक करना है, एक हाथ से दबाना है। जैसे मैं वीडियो रोक के अब इसको पूरा करने वाला हूँ। जैसे इसको मैं इसको दोबारा से दिखाता हूँ आपको। देखिए इस तरह से प्रेस करके रखना है और आगे पीछे करना पड़ेगा, पहले ही कर लेना क्योंकि फेविक्विक लगने के बाद ये वर्क नहीं करेगा और एक बार ये अच्छे से एडजस्ट होना चाहिए। इस तरह से दबाव देख लेना है बना के, जब पिक्चर आ जाए तो आपको यहाँ पर ऐसे ही हाथ से दबा के रखना है और आपको फेविक्विक इसको लगा देना है और थोड़ी ही देर बाद 10 से 20 सेकंड बाद उसको छोड़ देना है। ये यहाँ पर प्रेस हो जाएगा और उसके बाद ये सेट बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। तो अभी मैं इसको इसी प्रोसेस से करने वाला, जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ वही आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। तो दोस्तों आशा करते हैं आपका आज का वीडियो अच्छा लगा। इस तरह वीडियो अब मैं आपको समय समय पर चैनल पर आपको देता रहता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। थैंक यू।